गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज आप ईडियम्स एंड फ्रेजिज का पार्ट 13 डिस्कस करांगे। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लेना ता जो थोड़े पास हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन थोनू मिल सके। तो चलो अज का सैशन आप स्टार्ट करते हैं। ऑन टेंटर हुक्स, इहदा पंजाबी च मीनिंग कहना चिंता विच, भी कोई परसन कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता विच हुंदा तो उन्हू बोलते हैं आपां ऑन टेंटर हुक्स, मतलब इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड अनजाइटी। तो बी ऑप्शन इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड अनजाइटी के उत्ते तुसीं टिक लगाओगे, ठीक है जी। नैक्सट है ओवर हैड्स एंड ईयरस, ओवर हैड्स एंड ईयर मतलब हैड एंड ईयर पूरे तरह ध्यान नाल पूरी तरह अटेंटिवली मतलब कंप्लीटली, बी ऑप्शन कंप्लीटली ओवर हैड एंड ईयरस डियर, ठीक है। नैक्सट है पास दी बक, पास दी बक मतलब हुंदा अपना दोष किसी होर ते लगाउणा, मतलब अपना पल्ला झाड़ देना भी अपना कोई दोष है वो किसी होर ते अगे पास कर देना। पास दी बक मतलब ब्लेम समवन फॉर वट यू डिड रोंग, तो बी ऑप्शन के उत्ते तुसीं टिक लगाओगे ब्लेम समवन फॉर वट यू डिड रोंग डियर, ठीक है जी। नैक्सट है प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स, तो प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करना, तो बहुत ज़्यादा खर्च करना मतलब प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स मतलब टू बिहेव रैकलैसली स्पेंट लैविशली और स्कैंडर्ड, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन के उत्ते तुसीं टिक लगाओगे डियर, ठीक है जी। टू बिहेव रैकलैसली स्पेंट लैविशली और स्कैंडर्ड डियर मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करना डियर। नैक्सट है पुल आ लोंग फेस, पुल आ लोंग फेस मतलब मुँह लटका के बैठना, मतलब एक तरीका मैं कहना बहुत ज़्यादा दुखी होना, तो उन्होंने बोलते हैं पुल आ लोंग फेस, तो मतलब टू लुक सैड, तो बी ऑप्शन टू लुक सैड के उत्ते टिक लगाऊंगे, ठीक है जी। नैक्सट है रूल टू रोस्ट, रूल टू रोस्ट मतलब पावरफुल व्यक्ति जो सारी डिसीजन लेंदा, जिवें अपने घर के अपने माँ बाप अपने डिसीजन लेंदे हुंदे ने उसी तरीके ना, कोई कंपनी दे विच कोई मैनेजर है वो पूरे डिसीजन लेंदा बड़े पावरफुल तरीके नाल डियर, ठीक है ना। तो रूल टू रूस्ट मतलब टू मेक ऑल दी डिसीजनस और टू डोमीनेट, जिहड़ा बंदा रोब जमा के रखदा हुंदा, ठीक है ना। नैक्सट है डियर रन आउट ऑफ स्टीम, तो रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब हुंदा एनर्जी लैवल घट जाना, मतलब अपनी जिहड़ी एनर्जी हुंदी है एक्साइटपन हुंदा वो डाउन हो जाने बोलते हैं रन आउट ऑफ स्टीम डियर। तो इसका सही ऑप्शन है टू लॉस टू लूज एंथुजियाजम एंड स्टॉप डूइंग समथिंग, टू लूज एंथुजियाजम एंड स्टॉप डूइंग समथिंग रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब। नैक्सट है डियर शेक ऑफ, शेक ऑफ का मीनिंग है किसी वस्तु को छोड़ देना, किसी वस्तु को छोड़ देना मतलब शेक ऑफ डियर, ठीक है जी। तो मतलब टू गैट रिड ऑफ और फॉरगैट, टू गैट रिड ऑफ और फॉरगेट मतलब त्याग देना छड़ देना डियर, इस तरीके। नैक्सट है सॉफ्ट ऑप्शन, सॉफ्ट ऑप्शन मतलब कोई थोनों विकल्प मिल जाए तीन चार डियर वो सब तो ईजी ऑप्शन कहड़ा डियर तुम वह वाला काम करो डियर, ठीक है जी। कल तो मतलब की होंगे अपने को डू दी थिंग दैट इज़ ईजीएसट और लीस्ट लाइकली टू कॉज ट्रबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब एक आसान काम करना एको ही काम नूं चुनना भी जिहदे कोई तुहानूं अगे लाइफ विच तकलीफ ना आवे डियर, ठीक है जी। नैक्सट है स्टिक टू हिज गन्स, स्टिक टू हिज गन्स का मतलब हुंदा भी अपने बिलीफ ते यकीन करके रखना, भी जो थोड़ा विश्वास है जो थोड़ा बस थोड़ा डिसीजन है बस तुसीं उहदे पक्के खड़े हो डियर, ठीक है ना। तुसीं उह अपने निर्णय नूं बार बार चेंज नहीं करोगे, मतलब टू स्टैंड फॉर्म इन यूअर बिलीफ, टू स्टैंड फॉर्म इन यूअर बिलीफ डियर। नैक्सट है टेक एक्सैप्शन टू, टेक एक्सैप्शन टू का मतलब होंगे किसी नाल सहमत या एग्री ना होना, टेक एक्सैप्शन टू किसी नाल बंदे नाल एग्री ना होना तो उन्होंने बोलते हैं टेक एक्सैप्शन टू, का इसका मतलब टू ऑबजैक्ट स्ट्रोंगली, टू ऑबजैक्ट स्ट्रोंगली किसी मतलब किसी नाल एग्री ना होना, टू ऑबजैक्ट स्ट्रोंगली। नैक्सट है द मैन इन दी स्ट्रीट, एक मैन स्ट्रीट का एक आम व्यक्ति ही स्ट्रीट घूमता होंगे डियर, है ना। तो कॉमन मैन, तो बी ऑप्शन कॉमन मैन डियर एक साधारण व्यक्ति। नैक्सट है दी प्रोज एंड कॉन्स, दी प्रोज एंड कॉन्स का मतलब लाभ और हानि, मतलब जो कोई लाभ या हानि होवे उन्हें बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स, मतलब फॉर एंड अगेंस्ट आ थिंग एंड एडवांटेजिज एंड डिसएडवांटेजिज, फॉर एंड अगेंस्ट आ थिंग और एडवांटेजिज एंड डिसएडवांटेजिज डियर।
नेक्स्ट हैगा टू बी टेकन अ बैक डियर। टू बी टेकन अ बैक का मतलब हैरान होना, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना, मतलब टू बी सरप्राइज। टू बी टेकन अ बैक का मतलब टू बी सरप्राइज डियर। नेक्स्ट हैगा द साल्ट ऑफ द अर्थ। द साल्ट ऑफ द अर्थ मतलब वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ईमानदार हो विश्वास योग हो डियर। तो द साल्ट ऑफ द अर्थ डियर अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट परसन। अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट परसन डियर द साल्ट ऑफ द अर्थ होंगे डियर। ठीक है जी। नैक्सट हैगा टू कॉल अ स्पेड एंड अ स्पेड। टू कॉल अ स्पेड एंड अ स्पेड इसका मतलब होंगे डियर अपना स्पष्ट व्यक्ति, भी जिहड़ा भी कोई अजिहा व्यक्ति भी जिहड़ा गल डियर अपना मतलब मूँह ते कह दिंदा होंगे डियर, है ना, भी हाँ भी बस जो गल है तो उही गल सच है डियर, है ना। तो उस स्पष्ट व्यक्ति में बोलते टू कॉल अ स्पेड एंड अ स्पेड मतलब फोर्थ राइट, टू बी फ्रैंक, टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डियर। ठीक है जी। नैक्सट हैगा टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब हर संभव कोशिश करना, मतलब अपनी मतलब आप कहना भी पूरी बॉडी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हर संभव कोशिश कर रहे हैं, टूथ ते नेल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं भी हाँ भी अपन सक्सैस मिले डियर। ठीक है जी। टू मेक एवरी एफर्ट टू विन। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन डियर। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। नैक्सट हैगा टू गैट कोल्ड फीट मतलब घबराहट होना, मतलब जो अपने कहना पैर ठंडे हो जाते हैं, घबराहट होनी होंगे डियर। तो इसका मतलब होंगे अपने को डियर डी ऑप्शन टू बी अफ्रेड और फीयर बेटा। टू बी अफ्रेड और फीयर और टू एक्सपीरियंस नर्वसनैस डियर। ठीक है जी। नैक्सट हैगा टू पुट अ स्पॉक इन वनज व्हील मतलब वादा डालना, भी जो कोई बंदा सक्सैस की राह पर जा रहा हो रस्ते कोई वो विद रिस्पैक्ट कोई अड़चन पा दे बोलते हैं टू पुट अ स्पॉक इन वनज व्हील डियर। तो मतलब टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। तो डी ऑप्शन के उत्ते टिक लगा दोगे टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। तो होप करता डियर स्टूडेंट थोड़ा वीडियो चंकी लगी होगी, तो प्लीज़ अगे फ्रेंड्स के शेयर एंड लाइक जरूर कर दिया करो। थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।